सही है, ठीक है, एक सेकंड लेकिन हो जाए, हम एके लोगों मिश्रा का जी को जरा मैं पहले आप शामिल कर लूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी आ रही हूँ। एके मिश्रा जी, सबकी बात तो आप सुनी चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई आपको लग रहा है कि विपक्ष मुद्दों की राजनीति कर पा रहा है, या फिर क्या वजह है कि बीजेपी का सीना इस बात को लेकर चौड़ा हो रहा है कि साहब देखिए जनता तो हम ही को चुन रही है, आप हमको कितना ही कोस लीजिए, उसी जनता के प्यार के तहत हम बार बार सरकार बना रहे हैं। नहीं देखिए, सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी है और आपको चुनाव जीतने के लिए सरकार में वापस आने के लिए मुद्दों को उठाना और उसको जो है जीवित रखना और चुनाव में उसको वोट में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना एक बड़ा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कहाँ कमी रह जाती है विपक्ष से ये मुझे पता नहीं। मेरी शुभकामनाएं एडवांस में मैं विपक्ष को दे देता हूँ कि आप कल ही ये सरकार बनाइए, जैसे भी बनाइए, चाहे जो कोई भी ऑपरेशन शुरू करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। केवल मुद्दे होने से क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, भारतीय राजनीति के इतिहास में 5-6 ही यूनिवर्सल मुद्दे रहे हैं और हर चुनाव में होता है exactly. वही रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, महंगाई। मैं तो कम से कम मैं तो सुन रहा हूँ अपने बचपन से और उसके पहले भी, पूरी दुनिया में यही मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि इन मुद्दों के, चलिए मैं विपक्ष की बात मान लेता हूं कि हमारी इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह गिरी हुई है, इसके बाद भी अगर बीजेपी, मैं चुनावों की बात करता हूं, मैं मिड टर्म में जो सरकारें बदलती हैं उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद भी अगर बीजेपी जीत जाती है और ज्यादातर जगहों पर जीत जाती है, तो विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्यों बीजेपी जो है वोटरों को रिझा ले रही है, डिवाइड कर रही है कि यूनाइट कर रही है। वो सब तो आप भी कर सकते हो और कोशिश आपने भी की है, अल्टीमेट गोल आपका भी होता है। आपका जो ये टॉपिक है उसका मैं मेन मुद्दा है, मैं बता दूं, ये सब तो रूटीन की डिबेट कर रहे हैं कि देवघर जाने पे मैं ये बोलता हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, अमीर गरीब, प्रधानमंत्री वगैरह, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सब लोग जाते हैं। मोदी जी भी एक सनातनी है, एक हिंदू है, और प्रधानमंत्री हो जाने के कारण हिंदू होने का अधिकार उनका छिन गया क्या कि वो पूजा स्थल पे नहीं? कितने यहाँ पे भारत के जो मुसलमान नेता हैं, न जाने कितनी बार वो मक्का मदीना हो आए होंगे, हज कर लिए होंगे। परवेज मुशर्रफ, आप परवेज मुशर्रफ नहीं, अब ये जो है आपके आसिफ अली जरदारी, वो अजमेर में आकर के जियारत करके गए थे। और एक बड़ा डिस्प्यूटेड है, ये फैक्ट है कि फिक्शन है मुझे पता नहीं, नटवर सिंह ने ये बोला था कि श्रीमती इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में बाबर की मजार पे जाके उन्होंने मत्था टेका था और बोला था कि आज मैंने अपने पूर्वजों के उस पे जो है क्या मेरा सफल हो गया। अब यहां से कोई वहां चला गया, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए। तो एक सनातनी, नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं, पहले वो सनातनी है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत बाद में वो नेतागिरी में आए होंगे, लेकिन बचपन में तो मंदिर वंदिर जाते थे। और द्वादश ज्योतिर्लिंग और 18 जो शक्तिपीठ हमने बनाए हैं तो वो किस लिए बनाए हैं? इसीलिए बनाए हैं, हजारों साल से सारे राजा बनारस आते थे, वहां जाते थे, जिसको जहां मौका मिलता था जाते थे। तो धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन करने में प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या कोई बाधक है, आप मुझे बता दीजिए। बताइए प्रतिमा जी, फिर शशांक जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है, प्रधानमंत्री है देश के, सनातनी है, बिल्कुल सही कहा आपने, आप मंदिर जाइए, आपको कौन रोक रहा है? हम में से किसी ने नहीं, मुझे लगता है विपक्षी पार्टी में से किसी ने ये नहीं कहा कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। और मैं अभी सपा के प्रवक्ता की बात से बिल्कुल तरह सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक जो स्टेप होता है वो एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हर जिले में अस्पताल खोल रहे हैं, हमारे भाई पहले एक जवाब दे दीजिए, जितना आपने ट्विटर पे और फेसबुक पे प्रोपोगंडा मचाया है कि मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एम्स खुले हैं, आप सिर्फ मुझे 6 एम्स के नाम बता दीजिए जो मोदी जी के कार्यकाल में बने हुए हैं, जिनका सारा का सारा क्रेडिट आप लेने पे तुले हुए हैं, 6 एम्स के नाम बता दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, आप अभी यहाँ पे बात ये नहीं है कि मोदी जी मंदिर जाए, कौन मस्जिद जा रहा है, फिर आप उल्टा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टेड जितने लोग होते हैं ना, वो हर बात को छोड़कर, हर मुद्दे को छोड़कर फिर आ जाते हैं उसकी राजनीति में कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है और मंदिर और मस्जिद की राजनीति करनी है। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप देखिए सरकार बनाना, जनता से वोट आप ले लेते हैं ये भ्रमित करके जनता को कि आप समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, इसका फल है कि आप जनता से वोट नहीं एक लेकिन एक बात है, आपके सारे आरोप प्रतिमा जी एक जगह पर, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता को अवेयर करने का काम है ना आपका, अगर ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं तो उस नफरत से आप दूर कीजिए ना, कांग्रेस क्या कर रही है? अब आपको बताती हूँ, आज बिल्कुल देखिए, आज जो देश है उसमें अघोषित आपातकाल की स्थिति है,
आज आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलती है तो आप जेल के अंदर होती है। जिस तरीके से आपने देखा जुबैर का जो किस्सा चल रहा है, नुपुर शर्मा जेल में नहीं, जुबैर की कहानी कुछ और है। जबरदस्ती आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करती रहती हैं, हारते रहते हैं। ये प्रतिमा जी, ये रीजन है, उसने क्यों रीजन है, इसीलिए आप लोग हारते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का साथ पकड़ते हैं जो घोषित रूप से एक एक प्रमाण उनको बताता है कि वो अपराधी साबित होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार एक फेलियर सरकार है और मैं आपको इसके चार उदाहरण दे रही हूँ। देखिए जी, वो सत्ता में आना और सत्ता चलाना दो अलग चीजें हैं। यहाँ पे पुराणों की बात हो रही है, पौराणिक संस्थाओं की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदुत्व की बात हो रही है, यहाँ सनातन धर्म की बात हो रही है। क्या यहाँ पे जो पुराण है हमारे या जो हमारे धर्म स्थल है, ये 2014 के बाद आए हैं इस देश में? ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति सालों साल हजारों साल पुरानी है। जिस संस्कृति को इस देश, लेकिन अगर ये भुना पा रहे हैं तो ये इनकी अचीवमेंट है ना। आपको याद आ रहा है, गलत दिशा में भटके हुए होता तो हलफनामा नहीं देते सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु नहीं है। आज आपको याद आ रहा है कि हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उस वक्त नहीं याद आया हलफनामा देते हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हटा दीजिए या पॉलिटिकल एक्सपर्ट को हटा दीजिए, क्योंकि दोनों ही आप प्रवक्ता बैठे हैं। अरे तर्क कोई भी देगा, उसमें सवाल जवाब होगा। आप मुझे बताइए, राम सेतु में हलफनामा देते हुए आपको नहीं पता था कि भारतीय संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी है? तब तो पहुंच कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम सेतु नाम की काशी विश्वनाथ जी ने, जो हमारी ज्योतिर्लिंग है, क्या नरेंद्र मोदी जी लेके आए? केदारनाथ धाम क्या नरेंद्र मोदी जी लेके आए? क्या बात करते हैं आप लोग टीवी चैनल में बैठे? अब सुनिए, मैंने कहा नरेंद्र मोदी नहीं लेके आए तो कोई दूसरी पार्टी भी नहीं लेके आई है। ये हमारे एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, प्रशांत वशिष्ठ इस बात का जवाब देंगे। प्रशांत वशिष्ठ इस बात का जवाब दीजिए। प्रशांत वशिष्ठ, आप मुद्दों की राजनीति करने नहीं देते हैं, आप मुद्दों की राजनीति करने नहीं देते हैं। जी, आप यहाँ पर ये भी कहिए कि रामपुर में जहाँ पर 900 लोग हैं वहाँ पर दो वोट पड़ रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है क्या? जहाँ पे 900 की वोटिंग है वहाँ पे दो लोग, पांच लोग वोट निकल के आ रहे हैं, तो या तो वोट वो डालने नहीं निकले तो भी खराब बात है, या वोट उनको डालने नहीं दिया गया। आप इस चीज को भी तो कहिए, ऐसा मुद्दा वो भी तो होना चाहिए कि पांच पांच वोट निकल के आ रहा है उसका रीजन क्या? जीत जाते। जब से आपने सैफई में नृत्य महोत्सव का इवेंट बंद किया, आप चुनाव हार रहे हैं। वो इवेंट आ रही, प्रतिमा जी, प्रशांत जी आ रही हूँ। ये तंज है आपका, सैफई महोत्सव जिताएगा? अरे बीजेपी इवेंट कर रही है तो आप सैफई में फिर से इवेंट शुरू करिए। जब से आपने प्रवक्ता की भूमिका में, इसलिए उनको मैं जवाब नहीं दूंगा। वो एक्सपर्ट है, वो अपनी एक्सपर्ट राय देते रहे। वो इस समय प्रवक्ता की भूमिका में, हम खाली प्रशांत जी के जवाब देंगे क्योंकि मिश्रा जी प्रवक्ता की भूमिका में आ गए, तो इसलिए उनके सवालों के जवाब। अरे मतलब पहले ही आपको शुभकामना दे दी कि सर सरकार बनाइए, आप आज बनती है तो आज बनाइए सारी पार्टियों। नहीं देखिए, निराशा आप लोगों से होती है। एक सेकंड यादव जी, ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है, दो धुरंधर रहे हैं देश की राजनीति के, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव। कहा जाता था कि